हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे आपको विटामिन ई कैप्सूल्स अपने फेस के लिए कैसे यूज़ करना है, आपके फेस की के लिए या आपके हैंड्स, आपकी स्किन के लिए। एक्चुअली ये कैप्सूल्स कितनी बेनिफिशियल हैं, कितनी फ़ायदेमंद हैं, आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप जब फेस वॉश करते हैं तो आप या तो फेस सीरम यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो आप उसके साथ थोड़ा ये कैप्सूल पंचर करके उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये फेस सीरम है एवॉन न्यूट्राइफेक का, तो मैं इसे ड्रॉपर से ले रही हूँ। ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। आपको मैंने सिर्फ दो बूंद लिया है आपको दिखाने के लिए, और इसे हमें पिन से पंचर करना है। ये मैंने किया पंचर, और इसमें से जो ऑयल आया है उसे हम लेंगे। सिर्फ इतना, दोनों इक्वल अमाउंट में। और अब आप ये सीरम को फेस पर लगा सकते हैं। आपने ऐसे मिक्स कर लिया और अब आप सीरम को फेस पे लगा सकते हैं, और आपको आपकी स्किन में धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट, वो डेवलपमेंट आपको फील होगा। आपकी स्किन और ज़्यादा इसमें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कम बहुत कम स्किन प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं, जो कि विटामिन ई कैप्सूल्स बहुत इजी सोर्स है आपके स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सीरम वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए, वो आपके स्किन के पूरे अंदर तक जाता है। तो अगर आप उसके साथ विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ करते हैं तो उससे उसका बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। और सेकेंड यूज़ है, आप उसे अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अगर मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन और भी अच्छी हो जाएगी, और स्मूथ होगी, और उसे और ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगा अंदर से। और आप चाहें तो इसे नाइट क्रीम की भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़े से एलोवेरा जेल में, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ये आप देख रहे हैं, मैंने इतना एलोवेरा जेल लिया और वो कैप्सूल को पंचर करके मैंने थोड़ा सा इसमें विटामिन ई लिया। अब इसे पूरे को मिक्स करके आप इसे फेस पे मॉइस्चराइज़र की तरह या नाइट क्रीम की तरह यूज़ कीजिए, और आप अपनी स्किन में जो एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे वो आपको और किसी आर्टिफिशियल नाइट क्रीम के साथ नहीं मिलेगा। एलोवेरा एक तो आपकी स्किन को ग्लो देता है, और आपके सन टैन को रिमूव करता है, आपके एंकल्स रिंकल्स से फाइट करता है, और इसका एक्शन और स्पीड अप हो जाता है विटामिन ई कैप्सूल्स से। तो आप इसे ज़रूर नाइट क्रीम की तरह यूज़ करें, या आप मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करें, या फेस सीरम के साथ यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए, ज़रूर इसे ट्राई दें एक। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फेस पैक में थोड़ा सा मिक्स कर लें। जनरली आप ऐसा करें, आधा चम्मच हनी लें, दो बूंद नींबू और थोड़ा सा विटामिन ई कैप्सूल, तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, ग्लो आएगा आपके फेस पे। इसका एक और यूज़ है, आप अपनी वैसलिन के साथ मिक्स करके इसे लिप बाम भी बना सकते हैं। आप अगर रात को लगाएंगे और सोएंगे, फिर सुबह उठकर आप देखेंगे तो आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ हो जाएंगे। आप इसे डेली स्किन रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ करें, और आप अंडर आई क्रीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा करें, थोड़ा सा दो बूंद विटामिन ई और ये कैप्सूल की, इस कैप्सूल की दो बूंद या एक भी इनफ है, काफ़ी है, थोड़ी सी जेल टाइप की होती है तो, और थोड़ा सा आलमंड ऑयल, और उसे अंडर आई एरिया पे अच्छे से इसे लगा कर मसाज करके सो जाएं, तो वो आपकी एक अंडर आई क्रीम का काम करेगी। और आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो सकती है, आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। तो इस तरह से आप आलमंड ऑयल और विटामिन ई से आप एक बहुत अच्छा
आई क्रीम बना सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये काफ़ी नेचुरल टिप्स हैं जो मैंने दी हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे लगता है कि आपको ये यूज़फुल लगा है, और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।